भाई भी नहीं था। ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आर बॉडी, विदाउट दिस ह्यूमन बींग कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन मेरे कुछ निकम्मे दोस्त कैसे सर्वाइव करते होंगे, दिमाग ही नहीं है। ये साइंटिस्ट को तुम पूछना पड़ेगा। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिना दिमाग, जिनके पास दिमाग है ही नहीं। बैक करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं उनमें दिमाग है ही नहीं। आपकी पर बुक्स तो कहती है कि बिना ब्रेन के कोई सर्वाइव नहीं कर सकता, पर मैंने कुछ निकम्मे दोस्त हैं जिनमें दिमाग ही नहीं है, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं आप रिसर्च कीजिए। थैंक यू भाई। तूने एक टॉपिक किया है? हाँ भाई किया है, अभी समझाता हूँ। तो भाई डॉक्टरी की फील्ड को में कुछ कर रहे हैं ना, पता है मैं, ठीक है। तो भाई तू समझ ले कि तेरे को तो पता है कि ये वाला हिस्सा ये 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 काबू, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मान ले कि सबकॉन्शियस माइंड है तेरा, और तू ये बिलीव करने लगी है कि मेरे अंदर पावर्स है, मेरे अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं या जो भी है, तू जोकर है, तू बैटमैन है, तू ही सब कुछ है, ठीक है। और फिर तू मेरे से मिलता है। मेरे से मिलने के बाद तू अपनी सारी सारी मेरे को अपनी पावर्स दिखाता है। मैं तेरी पावर जान लेता हूँ कि तेरा जो माइंड है वो सब कॉन्शियस से भी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। और मैं तेरे को समझाता हूँ कि भाई ये आदत रहने दे, तेरे लिए अच्छी नहीं है। तू मेरी बात फिर भी नहीं मानता, तू अपनी मम्मी पापा की बात में नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानता, अपनी दीदी की बात नहीं मानता, अपने बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानता, और तू हो जाता है सबसे दूर। तू दूर हो जाता है, फिर एक बंदा तेरे को देता है एक चेक, चेक एज इन फिजिकल चेक नहीं, वो अमाउंट अमाउंट वाला नहीं, तेरे को देता है एक एक कैसे बताऊँ तेरे को कैसे बताऊँ तेरे को लिस्ट लिस्ट दे रहा है कि तूने क्या क्या किया है, तूने सब कुछ कह दिया। उसके दिमाग में एक रियलिटी आ गई कि तू कैसा है और तेरे को क्या बनाऊंगा, मैं बनाएगा वो, मैं नहीं बनाएगा वो। तो इसलिए तू सबसे अलग हो जाता है, मेरे से खुद अलग हो जाता है, मेरे भाई करियर छोड़ देता है, लव लव छोड़ देता है, घर छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ देता है तू, और खाना पीना नहीं खाता, डिप्रेशन में आ जाता है तू। फिर मैं तेरे को देता हूँ, फिर फाइनली तू मेरी बात मानता है और तू आ जाता है वापस। तो इसे कहते हैं शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में रियलिटी चेक। बोलना इतना बोलना कि तू अपनी
खुद की ताकत तक भूल जाए, अपनी खुद की कैपेसिटी तक भूल जाए, अपनी खुद की असली आइडेंटिटी तक भूल जाए कि तू क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। और हाँ, तू डिप्रेशन डिप्रेशन में इतना करीब आ जाए और तू रोने लग जाए, इसे कहते हैं रियलिटी चेक। और जब तू डिप्रेशन में आ जाएगा तो कोई मेरे भाई तेरे को बचा नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ तू खुद ही बचा पाएगा। और तू रो, और डिप्रेशन का पहला स्टेप है कि सैडनेस। तू इतना अकेला हो जाएगा उस दिन, तू इतना दुखी हो जाएगा उस दिन कि भाई तू रोने लग जाएगा, इतना रोएगा कि कोई तेरे आंसू तक नहीं पूछ पाएगा। तू खुद ही अपनी आंसू पूछेगा और तू खुद ही अपने दर्द, सुख, दुख या जो भी है तू हैंडल करेगा, उसे कहते हैं रियलिटी चेक। और हाँ, रियलिटी चेक की एज लिमिट भी है, जैसे स्कूल टाइम में तो दे नहीं सकते रियलिटी चेक, ठीक है, तो कॉलेज टाइम में तेरे को मिल सकता है रियलिटी चेक, और वो भी लिमिट तक। विदाउट लिमिट तू पागल हो जाएगा, तू जैसा मैंने कहा कि डिप्रेशन के पहले स्टेज में पहुंच जाएगा, सैड दुखी हो जाएगा और तू तेरे को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना ध्यान रख, ठीक है, जो भी होता है, जैसा होता है, जैसा भी रियलिटी चेक मिलता है तेरे को, घर से, कहीं से या ऑफिस से, तेरे को बस पानी की तरह पी जाना है और फिर देख लाइफ। अरे यार, अभी तो तेरी लाइफ बाकी है भाई, अभी तो तू क्या क्या बनेगा तू नहीं सोच सकता, ठीक है, अभी तो क्या क्या बनेगा तू नहीं सोच सकता भाई। भाई तू क्या क्या करेगा, तेरे अंदर खुद ही कैपेसिटी मैंने देखा है, ठीक है, मैंने देखा है। तो जैसा भी रियलिटी चेक मिले, वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और सिमिलर देन पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ टेक इट। ये तेरे लिए नहीं बता रहा हूँ, ये आप सभी के लिए बता रहा हूँ जो 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 देख रहे हैं, क्योंकि मेरे को हमेशा मिलता है, मेरे को हमेशा मिलता है, घर मेरे मॉम डैड मेरे को हमेशा देखते हैं, बोलते हैं, मेरी बहन तक बोलती है, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव मिले, मोटिवेट हो और कुछ करके दिखाओ, नेगेटिव मिले तो एक कहावत है, एक कान से निकालो, मतलब एक कान से घुसेरो, दूसरे से निकालो, ये है। तो बस यही था रियलिटी चेक, समझ गया क्या करना है, तू समझ गया क्या नहीं करना, तू ये भी समझ गया, अगर इतना सब कुछ डाउट है आपको आपको और देखने वालों को, तो गूगल कर लो और डॉक्टर का नंबर ले लो अपनी, अभी तो नहीं मिलेगा क्योंकि COVID-19 चल रहा है, लेकिन उसके बाद ले सकते हो। और हाँ, ये म्यूज़िक से जाता है तो म्यूज़िक सुनो बस। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अगर ये आपको वीडियो समझ में आई और पसंद आई तो लाइक करना, नीचे ब्लू नीचे एक लाइक का बटन है वो दबा के जाना, और एक खूबसूरत सा प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपने नहीं दबाया, अगर आप नए हो तो दबा के जाना, और मिलता हूँ आपको कल नए एपिसोड में। शब खैर, गुड नाइट, अपना ध्यान रखो और COVID-19 से लड़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू।